मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर कवायद तेज हो गई है। सभी दल जनता को लुभाने में जुटे हैं। बीजेपी भी सूबे की जनता पर डोरे डालने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ऐसी घोषणा की है जिससे साफ है कि योजनाओं के नाम पर वो लोगों के वोट अपनी ओर खींचना चाहती है। सरकार की इस चाल से विपक्ष बखूबी वाकिफ है, इसलिए कांग्रेस ने सरकार को घेरा है। मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले ही राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। बीजेपी अपनी सरकार बचाने के लिए स्थानीय कार्ड खेल रही है। जी हां, साम दाम दंड भेद की नीति अपनाने वाली बीजेपी सरकार ने रोजगार के मुद्दे पर दांव खेल दिया है। सीएम शिवराज ने कहा कि मध्य प्रदेश में अब सिर्फ मध्य प्रदेश के लोगों को ही सरकारी नौकरी में रखा जाएगा। दूसरे राज्यों के आवेदकों के लिए अब राज्य में सरकारी नौकरी हासिल करना मुश्किल होगा और सरकार इसके लिए जल्द ही आवश्यक कानून भी बनाने जा रही है। शिवराज ने कहा कि मध्य प्रदेश के संसाधन मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए है, इसलिए सरकारी नौकरी पर भी उनका ही हक होना चाहिए। सीएम शिवराज के इस ऐलान पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। पार्टी का कहना है कि चाहे कुछ भी कर ले बीजेपी, लेकिन उसे जीत नहीं मिलेगी। अब भले ही कांग्रेस शिवराज पर बरस रही है, लेकिन उन्होंने महाराष्ट्र की उद्धव सरकार की तरह ही स्थानीय कार्ड खेलकर रोजगार के बहाने लोगों को लुभाने की कोशिश की है। उद्धव सरकार भी हमेशा से कहती आई है कि महाराष्ट्र में नौकरी का अवसर पहले यहां के लोगों को मिलना चाहिए। उसका ये दाव महाराष्ट्र चुनाव में कारगर भी साबित हुआ था। अब मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार भी उद्धव की राह पर चल पड़ी है। उसकी कोशिश 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में जीत हासिल करने की है। आपको बता दें कि सुमावली, मुरैना, दिमनी, अम्बाह, मेहगांव, गोहद, ग्वालियर, ग्वालियर पूर्व, डबरा, भांडेर, करेरा, पोहरी, बामोरी, अशोकनगर, मुंगावली, सुरखी, सांची, अनूपपुर, सांवेर, हाटपिपलिया, सुवासरा, बदनावर समेत जौरा और आगर मालवा विधानसभा सीट पर चुनाव होने हैं। अब देखना होगा कि शिवराज के इस दाव से क्या बीजेपी की नैया पार लग पाती है या नहीं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।